90 साल की उम्र में 30 साल की जवानी कैसे हासिल करें, इसके लिए 15 नियम बांध लो। अभी मैं बात करने वाला हूं इस वीडियो में कि आपको जवानी कैसे रहेंगी आप 90 साल के होने के बावजूद भी। मैं डॉक्टर दीपक गयकर हूं, मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त नियम महाराष्ट्र में पिछले 41 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूं। हर आदमी ज्यादा साल तक जीना चाहता है, 100 साल तक जीना चाहता है। तमन्ना 100 साल जीने की है, मगर 100 साल जीने के लिए जो करना पड़ता है वो करने की इच्छा नहीं है, वो करने की तैयारी नहीं है, क्योंकि कंफर्ट जोन में रहना है। ऐसा बोला जाता है कि आप कौन हैं और कितने साल जीने वाले हैं इसका अंदाजा मैं लगा सकता हूं यदि आपका डाइट मुझे बताते हैं, तो आप क्या खाते पीते हैं, क्योंकि आप कौन है तो आपका डाइट है, आपका खाना, ऐसा बोला जाता है। देखिए ना, कुछ भी बीमारी हो गई तभी पहले खाने की इच्छा बंद हो जाती, और जैसी बीमारी अच्छा होना शुरू होता वो बीमार आदमी खाना शुरू कर देता है। तो पेट नंबर एक का इंडिकेशन है कि भाई आपको कोई तो भी प्रॉब्लम हो रही है, होने वाली है, तो फिर उसको ठीक क्यों नहीं रखे। देखो, हमारी गाड़ी है, कार पेट्रोल की है, हम डीजल डालेंगे उसमें? नहीं डालेंगे। डीजल डालेंगे तो कार खराब हो जाएगी। ये जो बॉडी है इसके विश्वस्त हम हैं, इसमें क्या अंदर डालने का है वो हमको डिसाइड करना है। गाड़ी में पेट्रोल डालना चाहिए, हम डालते डीजल या पानी, और फिर खराब हो जाती है। तो चलिए, आज मैं ऐसी बातें करने वाला हूँ 15 कि जिसका ये जो 15 नियम है इसका आप पालन करते हो तो डेफिनेटली आप बहुत जवान दिखेंगे, आपकी उम्र कम दिखेंगी, आप तंदुरुस्त दिखेंगे, जबरदस्त दिखेंगे, मस्त दिखेंगे। नंबर एक, आपका डाइट बहुत ही बैलेंस होना जरूरी है, संतुलित आहार जिसमें बहुत फाइबर होना जरूरी है। आप आटा भी खाते हो ना तो छान के नहीं खाने का है, उसमें फाइबर निकल जाता है। तो बहुत ही अच्छा बैलेंस डाइट जिसमें फ्रूट्स है, सलाद है, सब्जियां बहुत ज्यादा है। आपने रोटी सब्जी नहीं खाने का है, सब्जी रोटी खाने का है, मतलब सब्जी ज्यादा रोटी कम। तो चावल दाल नहीं खाने का है, दाल चावल खाने का, दाल ज्यादा चावल कम। नंबर दो, नमक कम से कम आपने इस्तेमाल करना चाहिए, और नमक खाने का ही है तो सेंधा नमक का इस्तेमाल करो। कहते हैं कि नमक हमको अच्छा लगता है खाने के लिए, मगर नमक से ब्लड प्रेशर बढ़ता है और पानी जमा होता है अपने शरीर में, वाटर रिटेंशन होता है। जितना कम नमक खाएंगे आपका बीपी डाउन हो जाएगा, आपके रक्तवाही का जो है उनकी सेहत अच्छी हो जाएगी। नंबर तीन, आप सलाद जो है वो रोज एक कटोरी भर सवेरे एक कटोरी भर शाम को आपने खाना चाहिए। सलाद आप सलाद खाते हैं जिसमें कुकुम्बर है, फिर कैरेट है, टमाटर है, मूला है, पालक है, ऐसे सब उसमें मिक्स करके सलाद आप खाते हैं तो बहुत आपको अच्छा लगेगा। और एक एक कटोरी सवेरे शाम खाते हैं तो आपकी सेहत बहुत अच्छी हो जाएगी, फाइबर जो है आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा और सब विटामिन मिलेंगे। नंबर चार, सब्जियों का छिलका उतार के सब्जियाँ खाने की नहीं, कोई भी सब्जी रहो तो छिलका नहीं उतारने का। समझो अभी आलू है तो आलू के छिलके उतार के आलू की सब्जी नहीं बनाने का, उसमें ज़्यादा फाइबर रहता है, विटामिन रहते हैं, तो वो खाने का है। नंबर पाँच, रात का खाना जो है वो आपने कम खाने का है और दिन ढलने के पहले खाने का है, मतलब करीब करीब 6:30 के पहले आपने रात का खाना खाना चाहिए और कम खाना चाहिए। ऐसा बोला जाता है कि ब्रेकफास्ट जो है वो एक आधे राजा जैसा करना चाहिए, दोपहर का लंच जो है वो आदमी जैसा करना चाहिए, और शाम का खाना जो है वो भिखारी जैसा करना चाहिए, हाथ पे जितना माता है उतने खाना खाना चाहिए, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, तो ये है खाना कम से कम खाना। छठवां जो है वो है कलरफुल सब्जियां खाना, अलग अलग रंग की सब्जियां आप ला सकते हैं। जितने अलग रंग की सब्जियां आप खाएंगे उतने ज़्यादा विटामिन आपको मिलेंगे, उतने ज़्यादा मिनरल्स मिलेंगे और आपकी सेहत अच्छी हो जाएंगी। उसमें हरी, लाल, पीली, नारंगी, ऐसी सभी कलरफुल सब्जियां मिलती है अलग अलग, वो आपने खाना है और बनाने का है। नंबर सात, रिफाइंड शुगर जो है उसका इस्तेमाल कम से कम करना है। शुगर जो है वो ऐसा बोला गया है कि शुगर एडिक्शन जो है वो कोकेन एडिक्शन से भी खतरनाक है, ऐसा बोला गया है, मतलब वो बेकार एडिक्शन है शुगर का, स्वीट्स का एडिक्शन। लोगों को स्वीट खाने से बहुत ज़्यादा डायबिटीज हो गया है। शुगर जो इतनी खतरनाक है कि जैसी शुगर आपके बॉडी की बढ़ जाती है वैसे फटाक से वजन बढ़ जाएगा और जगह जगह शुगर फैट के रूप में जाके जमा हो जाएगी।
शुगर जितनी कम खाएंगे उतना अच्छा है। ऊपर से तो शुगर कोई भी खाने में मिलाने का नहीं है, ऊपर से मिलाने का नहीं है, नो एडिशनल शुगर। मिलाने का ही है तो आप स्टीविया का इस्तेमाल कर सकते हैं, शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। शुगर इज एन एडिक्शन, ईटिंग शुगर इज एडिक्शन, स्वीट्स ईटिंग इज एन एडिक्शन। नंबर 8, खाना चबा चबा कर 32 बार खाना, जैसे बोला जाता है। हम क्या कहते हैं, खाना फटाफट खा लेंगे, चबा के खाते नहीं है, तो पेट में जाने के बाद में उसको डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ होती रहती है। तो खाना 32 बार चबा कर खाओ, और ऐसा बेस्ट है, जो पॉसिबल नहीं है, लोग करते नहीं है, कि मुँह में ही वो खाने का लिक्विड बनना चाहिए, खाते खाते मुँह में लिक्विड बन गया, बाद में निकलना है। तो आज का काम दांत ने करना है। नंबर 9, खाने को माइक्रो ओवन में डाल के खाने का नहीं है। क्या होता है कि बासा खाना रहा तो वो हम क्या करते हैं, दूसरे दिन खाते हैं माइक्रो ओवन में, सवेरे का खाना शाम खाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर यदि माइक्रो ओवन में आप डालते हैं तो सब न्यूट्रिएंट्स मर जाते हैं, तो माइक्रोवेव ओवन में डाल के खाना खाने का नहीं है। नंबर 10, आपने रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना है। मूंगफली तेल या सरसों का तेल जो आपके सामने निकाला जाता है, डब्बे का पैक बंद नहीं, वो इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छा है। रिफाइंड ऑयल जो है वो घातक है। तो इसमें सरसों का तेल, मूंगफली का तेल आपके सामने निकालते हैं और ताज़ा निकालते तो वो ले लो। नंबर 11, चिल्ड वाटर जो है, एकदम ठंडा पानी, वो अपने बॉडी को बहुत घातक है, तो चिल्ड वाटर अवॉइड करना चाहिए। नंबर 12, खाना खाने के समय पानी नहीं पीना है। खाना खाने के आधा घंटा पहले पानी पी लो, खाना खाने के आधे घंटे बाद में पानी पीना है, क्योंकि फिर हम जब पानी नहीं पीते हैं तो अंदर जो एसिड है पेट का, उसको डाइजेशन करने में आसानी हो जाती है, जो खाना हम अंदर डालते हैं उसको। नंबर 13, खाने से पहले हाथ साबुन से धोना चाहिए, और पूरा, जैसा कोरोना के सामने मैंने डेमोंस्ट्रेशन दिया था, पूरा यहाँ से ऐसा पूरा उंगलियाँ बिल्कुल डाल के, नखून बढ़ना नहीं चाहिए, नहीं तो नखून के अंदर गंदगी रहती है, तो ऐसा साबुन से हाथ धो के करना चाहिए। नंबर 14, पैकेज फूड नहीं खाना चाहिए। पैकेज फूड में बहुत सारी कैलोरी रहती है, बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स रहते हैं, और वो खा के अपनी सेहत ख़राब हो जाती है। नंबर 15, सब्जियां जो है जब आप मार्केट से लाते हैं तो धोकर सुखाना है घर में, और बाद में फिर उसको काटना है, सब्जी बनाने का है, वैसी सब्जी बनाने का नहीं, क्योंकि उसमें के ऊपर काफ़ी सारे मटेरियल छिड़के जाते हैं, उसको ताज़ा रखने के लिए, उसको दिखने के लिए अच्छा, और काफ़ी सारे घातक द्रव्य उसके ऊपर मारने के बाद में सब्जी ठीक नहीं रहती है, तो उसको टालने का है, सब्जियां धोकर ही लेने का है। तो ये 15 आइटम्स है, ये 15 आइटम आप खाने में या अपने हैबिट उसको लगाते हैं, जिस तरह की भी मैंने बताया, तो डेफिनेटली आपका खाना एकदम बैलेंस हो जाएगा और आपकी सेहत बहुत बढ़िया रहेगी, बीमारियाँ आपके आसपास भी नहीं आएंगी, और इवन 90 साल की उम्र में आप 30 साल के जवान दिखेंगे। ये सब करते हैं अर्थात, तो आपको क्या है, आपको आपका वजन बहुत संतुलित रहेगा, एकदम बैलेंस डाइट रहेगा, बैलेंस डाइट है, सेहत अच्छी है, आप रेगुलर 40 मिनट की एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपको तंबाकू, पान, बीड़ी, सिगरेट की आदत नहीं है, शराब पीते नहीं है, और क्या चाहिए अच्छी सेहत के लिए, आपकी सेहत 90 साल की उम्र में भी 30 साल की दिखेगी। अर्थात ये होता है, जब आपको जोश है, उत्साह है, काम में मजा आ रहा है, एक्टिव है, तो डेफिनेटली सेक्स लाइफ भी आपकी अच्छी रहने वाली है। ये जो मैंने बताया उसके खाने के, इसमें क्या होता है कि हार्ट अच्छा रहेगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, रक्तवाहिकाएं अच्छी रहेंगी, तो नेचुरली पेनिस के तरफ ब्लड फ्लो जो है वो अच्छा रहेगा, और इरेक्शन आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपका दिमाग एकदम शांत रहेगा, रिलैक्स रहेगा, और आप आपका सेक्सुअल लाइफ फुल्ली एंजॉय कर सकेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा तो ये लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो। आपका ख्याल रखिएगा, आपके परिवार का ख्याल रखो, क्योंकि आप बहुत बहुमूल्य हो। थैंक यू वेरी मच।